कल की चौपाई थी वर्णन करो रे रोजी हके तुम सिर दिया भार अर्ज किया अपने दिल को माही बैठाओ कर सिंगार। पहला चरण है वर्णन करो रे रोजी, इसकी व्याख्या आपको करनी है। दावत की बहनों में कौन तैयार है? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वर्णन करो रे रूह जी हके सिर दिया तुम भार अर्श किया अपने दिल को माहे बेटा हो कर सिंगार। श्री महामती जी कहती हैं कि हे मेरी आत्मा, हे मेरी रूह है, तुम श्री राज्य का नक्शे सिक्का वर्णन कीजिए, क्योंकि आपका उत्तरदायित्व आपके सिरे हैं और आपके धाम हृदय में श्री राज्य ने अपना धाम बनाकर बैठ गए हैं। इसलिए आप श्री राज्य का वर्णन आप ही कीजिए। नहीं नहीं, आप चौपाई का अर्थ ना बोलिए, पहले चरण पर केवल बोलना है, चारों चरण पर नहीं, केवल एक चरण पर व्याख्या करनी है। वर्णन करो रे रूह जी, श्री महामती जी कहती हैं कि हे मेरी आत्मा, श्री राज्य का नक्शे सिक्का वर्णन कीजिए। और कौन करेगा? ज्योति माता जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, ये जो चपई है श्रृंगार ग्रंथ की है, और श्रृंगार ग्रंथ जो है ये जो हमारे सामने श्री कुलजम स्वरूप है जिसे हम वांग्मय क्लेवर कहते हैं, तो श्रृंगार ग्रंथ जो है वो राज्य का मुखारविंद है। और आपको पता है कि जो मुखारविंद है वो क्या है? स्वामी जी ने कहा था सिर्फ वर्णन करो रे रूह जी, और मैं उसका थोड़ा सा परिचय देने लगी, इसके बाद करते हैं। जो मुख होता है वो क्या होता है? हृदय का दर्पण होता है। जो हृदय में होता है वही मुख पर होता है। अब स्वयं युगल स्वरूप अक्षरातीत जो महामती जी के धाम हृदय में विराजमान हैं, वो कहलवा रहे हैं महामती जी से, क्या कहलवा रहे हैं कि वर्णन करो रे रूह जी। अब उन्हें वर्णन करना है किसका? युगल स्वरूप के मुखारविंद का, उनके सौंदर्य का, नक्शे शिक्तक श्रृंगार का, जिसे आज तक सभी ग्रंथों में कोई भी वर्णन नहीं कर सका। वेदों में उन्हें तेजोमयी कह दिया, मांतम पुरुषम कह दिया, तमसे परस्तात, यानी कि सभी स्वीकार करते हैं कि अक्षरातीत भई हैं। और गीता में भी कहा है कि उत्तम पुरुष कहा है, लेकिन वो अक्षरातीत है कैसा, उसका स्वरूप कैसा है, उसकी लीला कैसी है, उसका धाम कैसा है, ये वर्णन तो सिर्फ अपने श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ में है। जबकि जैसे वाणी में कहा है, वर्णन करना अर्श का तिन में भी हक जात, नूर अकल इत क्या करे जितलुदन्नी गोते खात। अब महामती जी कह रही हैं कि देखो, जहाँ पर हमें वर्णन करना है स्वयं अक्षरातीत का, युगल स्वरूप का, जिसके बारे में आज तक कोई भी नहीं कह सका, लेकिन वो वर्णन कैसे संभव होगा, क्योंकि उनके हृदय में युगल स्वरूप विराजमान है। नहीं तो कोई भी उनके उस स्वरूप का, उनकी शोभा का, श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सका और आज तक नहीं कर सका। तो महामती जी कहती हैं कि मेरी भी क्या सामर्थ्य है, ये तभी संभव हो पाएगा जिस तरह से सागर ग्रंथ में भी स्वयं ये महामती जी ने कहा है कि ये जो सागर ग्रंथ का, सागर में जो आठों सागरों का वर्णन हुआ है, सागर विशाल है, अनंत है, अपार, असीम, लेकिन उसका जो वर्णन हो सका है वो किस लिए हो सका है? स्वयं अक्षरातीत ने करवाया है। तो अक्षरातीत ही उनके हृदय में बैठकर के वर्णन करने जा रहे हैं, क्योंकि अक्षरातीत का जो सौंदर्य का वर्णन है वही कर सकता है जो उनके हृदय में, जो जिनके हृदय में वो विराजमान है। आगे करें, देखिए सागर ग्रंथ में तीन बार राज्य का श्रृंगार वर्णित हो चुका है। आपको स्पष्ट करना है
तीन बार वर्णन होने के बाद क्या आवश्यकता पड़ गई कि पुनः चौपाई कही जा रही है वर्णन करो रे रोजी। किरण माता जी इसी चरण की व्याख्या कीजिए, वर्णन करो रे रोजी। कोई भी चरण का अर्थ उसका भाव अपने मन में लीजिए, लेकिन जब आप बोलते हैं तो उस एक एक चरण के शब्दों का भाव क्या है, किस प्रसंग में वो बात कही गई है उसकी व्याख्या करनी है। आप ये नहीं कह सकते कि राज्य का श्रृंगार वर्णित नहीं हुआ है, तीन बार तो हो गया नक से सिक तक, फिर चौथी बार के लिए क्यों कहा जा रहा है कि वर्णन करो रे रोजी, इस पर प्रकाश डालना होगा। वर्णन करो रे रोजी, इस चरण में महामती जी अपनी आत्मा को संबोधित करते हुए कह रही है कि अब तुम्हें अपने धामधनी के नक्श से शिख तक का वर्णन करना है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे कि अभी ही स्वामी जी ने बताया कि इससे पहले सागर ग्रंथ जो था उतर चुका था, उसमें तीन बार राज्य का, दो बार श्यामा जी का और एक बार सुंदर साध का भी वर्णन हो चुके हैं। लेकिन ये जो वर्णन है वो हकीकत का वर्णन है। हकीकत में राज्य भी हैं, श्यामा जी भी हैं और सखियाँ भी। लेकिन श्रृंगार ग्रंथ जब उतरा और श्रृंगार ग्रंथ में मार्फत स्वरूप राज्य की पहचान जो है वो कराई गई, क्योंकि मार्फत में ना श्यामा जी रहते हैं ना सखियाँ, बल्कि सिर्फ राज्य ही राज्य, तू ही तू की स्थिति जो है वो आ जाती है। उसमें राज्य के एक एक अंग का जो वर्णन है वो किया गया है। राज्य के होंठ हैं तो कैसी है, उनकी आंखें हैं तो कैसी है, उनकी रसना है तो कैसी है, उसको भी मुख कमल का वर्णन, नैन कमल का वर्णन, इस तरह से एक एक अंग का जो वर्णन है वो किया गया है। इसलिए वो कह रही हैं कि अब तुझे धाम धनी के नख से शिख तक का जो वर्णन है वो करना है। ठीक है, और कोई अपनी स्वेच्छा से वर्णित करना चाहेगा पहले चरण की व्याख्या, कोई और करना इच्छा करता है? अनकपाल जी आइए आइए, संकोच मत कीजिए। वर्णन करो ये रोजी, ने महामती जी की आत्मा कहती है मुझे राज्य महाराज जी का जो स्वरूप है उसका वर्णन करना है। क्यों वर्णन करना है? उसे वर्णन को करके उनका, उनके वर्णन को मुझे अपने आत्मा के अंदर बिठाना है। जब तक मेरी रूह के अंदर है मेरी आत्मा, जब तक राज्य महाराज जी की जो शोभा और श्रृंगार है तब तक तेरे हृदय के अंदर अंकित नहीं हो तो तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। हक सिर तुम दियो बात, अन्य जो बात किसने दिया है जिम्मेदारी, श्री राज्य महाराज जी ने ये तुम्हें जिम्मेदारी दी है। देखिए, वाणी की चर्चा करने से पहले आपको अपना मन शांत करना होगा, अपने हृदय का तार राज्य के चरणों से जोड़िए और अपने मैं खुद ही को उनके चरणों के प्रेम में विलीन कर दीजिए, फिर राज्य की कृपा बरसेगी और आप वाणी की व्याख्या करते जाएंगे। अब देखिए, मैं राज्य की कृपा से पहले चरण की व्याख्या करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सब सुंदर साथ इसका आधार बनाकर अगले दूसरे चरण हके दिया सिर पर भार, इसकी व्याख्या आप करेंगे। मैं पहले चरण पर प्रकाश डालता हूँ। सागर ग्रंथ में महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर अक्षरातीत ने नख से सिख तक अपनी शोभा का तीन बार वर्णन कर दिया है, श्यामा जी का भी श्रृंगार वर्णन कर दिया है और सुंदर साध का भी निज श्रृंगार जो परात्म का श्रृंगार है उसका भी वर्णन कर दिया है। फिर भी जो जागनी ब्रह्मांड का लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। क्यों? खेल का कारण क्या है? मारिफत के स्वरूप की पहचान कराना खेल का महाकारण है। खेल का कारण है
सखियों के द्वारा अक्षर को देखना और उनकी लीला मांगना, और अक्षर के द्वारा सखियों को देखने के पश्चात सखियों के साथ प्रीतम की होने वाली लीला को देखने की इच्छा करना, ये खेल का कारण है। मेहर का दरिया दिल में लिया, तब रूहों के दिल में खेल देखने का ख्याल उपजा। मूल स्वरूप ने अपने स्वरूप की पहचान देने के लिए कारज कारण से ये खेल बनवाया, ताकि परमधाम की आत्माएं जो अनाद काल से मेरे साथ लीला में संलग्न है, वे मुझे जान जाएं कि मैं हूं उनके रूप में हूं। मेरे और उनके बीच में किसी तरह का पर्दा नहीं है, दूजे तो हम है नहीं, ये बोले बेवरा वैदत का। परमधाम में कोई दूसरा नहीं है, श्यामा जी कोई नहीं है, सखियां नहीं है, अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी कोई नहीं है। कैसी विडंबना है, एक ही अक्षरातीत के अंग अक्षर ब्रह्म अपने को अलग समझ रहे हैं। वो कहते हैं कि मुझे परमधाम की लीला देखनी है, सखियां कहती है कि मुझे अक्षर की लीला, हमें अक्षर की लीला देखनी है। श्यामा जी कहती है कि मेरा प्रेम बड़ा है, श्यामा जी अलग अपने प्रेम को बड़ा कह रही हैं, सखियां अपने प्रेम को अलग बड़ा कह रही हैं, अक्षर को अपने से अलग कह रही हैं कि यह दूसरा कौन है। एक ही सागर अपनी अलग अलग लहरों को देखकर अचंभा हो रहा है कि यह लहरें मुझको अपने से अलग मानने लगी हैं। इनको बताना था कि हम और तुम दो नहीं हैं, दूजे तो हम है नहीं, ये बोले बेवरा वहदत का। ज्यों खिलावत त्यों खेलत, ना तो क्या जाने बीच पात का, ना अर्श चिमिये दूसरा कोई और धरावे ना, ये लिखा वेद कते में कोई ना ही खुदा बिन का। धर्म ग्रंथों में लिखा है कि परमधाम में एक अक्षरातीत के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, और जो उनके अंग हैं कह रहे हैं कि हम अंगी से अलग हैं। परब्रह्म की हलादनी शक्ति कह रही है कि मैं राज्य से अलग हूँ, मैं उनको रिझाती हूँ, मेरा प्रेम बड़ा है। मौसमी से रस निकल रहा है, रस कहने लगे कि मौसमी और हम अलग अलग हैं, तो मौसमी को तो हंसी आएगी। यही पहचान देने के लिए राज्य ने ब्रज में खेल बनाया, रास का खेल बनाया। जागने के ब्रह्मांड में देवचंद जी का तन धारण किया, मिहराज का तन धारण किया, फिर भी एक दूरी है। परमधाम में अनादिकाल से रहते हुए भी जिसके साथ लीला कर रहे हैं उसको नहीं पहचान पाए। ब्रज में लीला कर रहे हैं वो तो पूरी नींद में है, रास में ये पता चलता है कि ये मेरा प्रीतम है। जागने के ब्रह्मांड में श्री देवचंद जी के तन से लीला में सभी उसका रसपान कर रहे हैं, किंतु एक दूरी है कि सतगुरु महाराज के रूप में राजी लीला कर रहे हैं, किसी को कसेड़ी दे दिया तो वो खुश, किंतु एक पर्दा है। महाराज का तन 12 साल का है और देवचंद जी का तन कहीं अधेड़ अवस्था की तरफ जा रहा है। सैंतीस साल की अवस्था आते आते वो तन ओछल हो जाता है। आप सोचिए, जब मिहराज अरब से आते हैं तो उनकी उम्र 30 वर्ष की होती है, 5 साल वहाँ अरब रहते हैं, 33 वर्ष की होती है। जब मिहराज अरब से आते हैं तो 33 वर्ष के हैं, और श्री देवचंद जी आप सोचिए धाम गमन से पहले उनकी क्या अवस्था, लगभग 70 साल के हैं। 70 साल के तन के द्वारा ज्ञान का प्रकाश तो हो रहा है, दोनों पुरुष तन में हैं। कैसे बताया जाए कि दोनों एक वहदत के अंग हैं। 70 साल के वयवृद्ध से एक 33 साल का युवक परम धाम के संबंध की भावना को कैसे जान सकता है, क्योंकि शरीर का पर्दा है। आत्म तत्व की दृष्टि से देखें तो प्राणियों में जो चेतनता है वही चेतनता एक मानव के अंदर है, लेकिन मनुष्य कुत्ते को घृणित दृष्टि देखता है, कई पशु पक्षियों को घृणा की दृष्टि देखता है। वही पशु पक्षी के अंदर रहने वाला जीव जब मानव योनि में प्रवेश करे तो कहते हैं कि ये तो हमारी बिरादरी है, हम पड़ोसी को अपना नहीं मानते, अपने घर को हम अपना मानते हैं।
चाहे अपने घर में कितनी भी लड़ाई हो, पड़ोस वाला कितना भी लगाव रखे तो कहेंगे कि वो तो बाहर वाले हैं, और घर में महाभारत मची हो तो भी कहते हैं कि हमारे भाई हैं, हमारे पति हैं, हमारी पत्नी हैं, ये हमारे बेटे हैं। केवल पर्दा है। कल्पना कीजिए, गंदगी खाने वाले सुअर का जीव मनुष्य योनि में आ जाए और अति सुंदर युवती का रूप धारण कर ले, तो जो मनुष्य उस सुअर को देखकर घृणा कर रहता था, उस सुंदर रूप पर वो पागल हो जाता है, उस पर अपना जीव निछार करने को तैयार हो जाता है। किसको देखा इन आंखों ने? शरीर को देखा, आत्मा की तो पहचान नहीं है। यही कारण है ब्रज में सभी साथ रहे, रास में लीला हुई, देवचंद जी के तन से लीला हुई, श्री मिहराज के तन से लीला हो रही है, परमधाम की वाणी उतर रही है, सुंदर साथ अपने इन नयनों से देख रहे हैं कि जब श्री जी चर्चा कर रहे हैं तो युगल स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है, फिर भी पर्दा है। पर्दा क्यों है? तन का पर्दा, मिहराज का तन सामने आ रहा है। तभी तो कहा है, ए माया अमल उतारे श्री महामत, मेरा टोने ही को आकार। सागर ग्रंथ का वर्णन हो गया, नख से सिख तक के श्रृंगार का वर्णन हो गया, होठ कैसे हैं, बाल कैसे हैं, आंखें कैसी हैं, गाल कैसा है, गला कैसा है, हृदय कमल कैसा है, तीन बार वर्णित कर दिया, फिर भी कोई नहीं पहचान पा रहा है कि हम कोई और हैं। एक ऐसी माया का बंधन है जिसको कोई तोड़ नहीं पा रहा है। सागर ग्रंथ के अवतरित होने के बाद भी सभी क्या सोच रहे हैं? हम सखियां हैं, श्यामा जी हैं। इस भेद से ऊपर उठ पाना इतना सरल नहीं है। अब मारिफत का ज्ञान देना है, श्रृंगार का आधार लेकर, क्योंकि ज्ञान में बुद्धि दौड़ती रहती है। अब जहां बुद्धि दौड़ेगी तो विवेचना होगी, और ज्ञान का संदूक जब खुल जाता है तो मनुष्य बोलता तो ज्यादा है, अंदर में डूबना पसंद नहीं करता। अब डुबाना है सबको, एक एक अंग की शोभा में इस तरह से डुबो देना है कि अपने अस्तित्व को सभी भुला दें। आप देखिए, परमधाम में अष्टपहर लीला होती है केवल हकीकत की। जब पांचवी भूमिका की लीला होती है, राज्य लीला रूप में पर्दा हटा देते हैं, वहाँ कोई सखी नजर नहीं आ रही है, श्यामा जी नजर नहीं आ रही है, हर आत्मा के हृदय से निकलकर राज्य प्रकट हो जा रहे हैं। हर ब्रह्मात्मा सखी जानती है कि ये राज्य हैं, उसको पता ही नहीं कि मेरे अंदर से ये स्वरूप प्रकट हुआ है। दोनों स्वरूप एक दूसरे को देखते हैं। राज्य उस सखी को देखकर कहते हैं केवल तू है, और वो सखी कह रही है केवल तू है। श्यामा जी के साथ जो राजी हैं वो श्यामा जी को कहते हैं केवल तू है, और श्यामा जी राजी को देखते देखते कहते हैं कि केवल तू है। परम धाम में केवल तू तू होने लगा। जैसे ही पांचवी भूमिका की लीला समाप्त होती है, सभी कहते हैं ये राजी हैं, हम उनको रिझाती हैं, हम सखियां हैं, हम श्यामा जी हैं। फिर वही एक परम धाम में कोई पर्दा नहीं है, लेकिन लीला में एक पर्दा पड़ जा रहा है जो आज तक जाहिर नहीं हो पाया। अक्षरातीत का ही तो हृदय अक्षर है। इत और न दूजा कोई, स्वरूप एक है लीला दोई। फिर भी क्या अक्षर ब्रह्म जानते हैं कि स्वरूप एक है लीला दोई? वो तो सोचते हैं कि मैं चांदनी चौक से आगे जा नहीं सकता, मुझे मूल मिलावे में जाने का अधिकार नहीं। एक बार अधिकार मिलता है जब अक्षर की आत्मा आरंभ में आती है, और सत्ता का स्वरूप हटाकर इष्क का स्वरूप जब मिलता है तो वही अक्षर की आत्मा राज्य के सम्मुख प्रकट होती है, 90,000 रूप बातें भी करती है। इसके पहले अनादिकाल से वो लीला चल रही है। अक्षर की आत्मा ने स्वयं को नहीं जाना था, मैं हूँ कौन। अपने को तो जाना था, अपने स्वरूप की मारिफत को नहीं जाना था। कैसे? बहते हुए बर्फ को आप पानी नहीं कह सकते, जमे हुए बर्फ को आप पानी नहीं कह सकते। आप कहेंगे कि बर्फ है। जब वो बहने लगेगा तो ये नहीं कहेंगे कि बर्फ बह रहा है, आप कहेंगे कि बर्फ पिघलकर पानी बह गया है, बन गया है, और अब पानी बह रहा है, जल का प्रवाह हो रहा है, बर्फ का प्रवाह नहीं हो रहा है। क्या बर्फ को आपने बहते हुए देखा है?
पानी का तेज झोंका होगा तो बर्फ के टुकड़े तो बह सकते हैं, लेकिन बर्फ की चट्टान नहीं बह करती, क्योंकि वो घनीभूत रूप है। मारिफत में आने के बाद ही पहचान होगी कि हम वास्तव में कौन हैं। हकीकत में तो एक प्रेमी है, एक प्रेमास्पद है, एक प्रेम करने वाला है और एक वह है जिसे प्रेम किया जा रहा है। प्रेम करने वाला तो कहेगा कि हम तो प्रेम करने वाले हैं और उससे प्रेम करते हैं, इस सच्चाई को कोई मिटा नहीं सकता। राज जी ये समझाने चाह रहे हैं कि जो प्रेमी है वही प्रेमास्पद है और जो प्रेमास्पद है वही प्रेमी है, कोई भेद नहीं है। इसके लिए अब श्रृंगार, महाश्रृंगार का वर्णन होने जा रहा है। पहले तो सरसरी नजर से नख से सिख तक का वर्णन हो गया। एक एक श्रृंगार में राजी का पहला श्रृंगार हो, दूसरा श्रृंगार हो, तीसरा श्रृंगार हो, नख से सिख तक का वर्णन हो गया है। अब ऐसा नहीं होगा, अब केवल एक एक अंग में डुबोया जाएगा। हक मासुक के नेत्रंग, हक मासुक के चरण कमल अंग, हक मासुक के खुले अंग छाती श्रृंगार का वर्णन, हक मासुक के श्रवण अंग, क्योंकि जिस अंग में डूबे उसमें हम स्वयं के अस्तित्व को भुला दें। जब तक आप भूलोगे नहीं स्वयं के अस्तित्व को, मार्फत का दरवाजा बंद रहेगा आपके लिए। प्रेम दीवानगी देता है, स्यानप चतुराई को हटा देता है, और जब तक दीवानगी नहीं आती स्वयं को कोई भूलता नहीं है। ज्ञान में डूबा हुआ व्यक्ति स्वयं के अस्तित्व को भला कैसे भुला सकता है। जब मैंने कई बार कहा है, सरसों का एक दाना, बरगद का एक वृक्ष का दाना मिट्टी में मिलकर अपने को ढक लेता है, मिट्टी से अपने अस्तित्व को भुला देता है, पता नहीं चलता कि इस मिट्टी के नीचे बरगद का दाना है, तब तक उसमें अंकुर नहीं फूटता। जब वही दाना जमीन के ऊपर दिखा दे तो सूरज की किरणों से वह तप जाएगा, क्योंकि वह अपने अस्तित्व को प्रदर्शित कर रहा है कि मैं बरगद का दाना हूँ। मारिफत में डूबने के लिए उस दाने को मिट्टी में मिलना होगा। किसी को पता नहीं चले कि बरगद के वृक्ष का कोई दाना भी मिट्टी में दबा है। जब स्वयं को भुलाएगा तो उसके जैसे एक वृक्ष पैदा हो जाएगा और उस बीज जैसे अनंत हजारों दाने, हजारों करोड़ों दाने फिर प्रकट हो जाएंगे। अनंत में अनंत है, हर कण में अनंत है, तभी तो कहा जाता है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उच्यते। पूर्ण में पूर्ण निकालिए तो पूर्ण रहेगा, अनंत में अनंत जोड़िए तो अनंत रहेगा, अनंत में अनंत से घटाइए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, अनंत ही रहेगा। राजीव बताना चाह रहे हैं हर कण में मैं हूँ, हर पत्ते में मैं हूँ, हर ब्रह्मात्मा के रूप में मैं हूँ, श्यामा जी के रूप में मैं हूँ, सखियों के रूप में मैं हूँ, अक्षर के रूप में मैं हूँ, महालक्ष्मी के रूप में मैं हूँ, पशु पक्षियों के रूप में मैं हूँ। ये दर्शाने के लिए स्वयं को भुलाना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ, इसको भी भुलाना पड़ेगा। ये कब भूलेंगे आप? जब राज जी के किसी भी अंग की शोभा में डूब जाए, एक अंग छोड़ के यदि वो कहीं और जाती है तो हंसी है। तीन परवाणी में कहा गया है कि रूहें उसका नाम धरती हैं कि ये कैसी आत्मा है जो एक अंग की शोभा को छोड़कर दूसरे में चली गई। मुखारविंद की शोभा का वर्णन जब हो दो, ठुड्डी को देखकर होठों में नजर चली जाए और होठों की शोभा को देखकर गालों में नजर चली जाए, गालों की शोभा को देखकर कान में नजर चली जाए, तो इसका तात्पर्य यह है कि अभी हमारा प्रेम मारिफत के धरातल पर पहुंचा नहीं है। देखते देखते स्वयं को भुला दीजिए, एक कण में डूब दीजिए, एक रोम में अपने को इस तरह से डुबो दीजिए कि हर रोम में आपको वही प्रीतम की छवि नजर आने लगे और अपने अस्तित्व को आप भुला दीजिए। ये छोटा लक्ष्य नहीं था, इसी पर तो खेल का मुद्दा, महाकारण यही है। राजी अपने स्वरूप को दर्शाना चाहते हैं, जो अनंत काल से लीला करते हुए भी अपने को नहीं दर्शा सके थे, मैं कौन हूँ और तुम कौन हो, दोनों के बीच की जो विभाजक रेखा लीला के कारण पैदा हो रही है, लीला के कारण हकीकत को समझा जाता है, लेकिन लीला में डूबे बिना मारिफत में प्रवेश नहीं किया जा सकता। जैसे सागर के किनारे आप बैठ जाइए तो सागर की लहरों को देखेंगे, सागर में जब डुबकी लगाएंगे तो लहरें ऊपर दिखती हैं, नीचे नहीं दिखती,
नीचे तो केवल जल है, दूर से देखने पर लहरें दिखेंगी और आप कहेंगे कि लहरों के साथ सागर क्रीड़ा कर रहा है। सागर कहता है कि लहरें मेरे से अलग नहीं हैं, तुम मेरे अंदर डुबकी लगा दो, पता चल जाएगा कि जो लहरों का जल है वही सागर है, सागर ही लहरें हैं, लहरें ही सागर हैं। राज जी ये बताना चाह रहे हैं और इसलिए अब वर्णन किया जाएगा महाश्रृंगार का, एक एक अंग में डुबोया जाएगा। हक मासुक के श्रवण अंग का वर्णन होगा तो लगेगा कि कान ही हैं, हमेशा इन्हीं को देखती रहूं और इन्हीं में डूब जाया करूं। खुले अंग छाती के श्रृंगार का जब वर्णन किया जाएगा तो लगेगा कि नहीं, अब इसके सिवा कुछ नहीं देखना है। चरण कमल की तरफ नजर जाएगी तो ये किया जाएगा कि चरण कमलों की हुई देखती रहूं, कहीं और में अंग में हमारी नज़र न चली जाए। किसके लिए? क्योंकि मार्फत का दरवाज़ा खोलना है। जब प्रेम गहराई में होता है तो अंग अंग को देखने की आवश्यकता नहीं होती है। आंखें मिलती हैं तो आंखों की पलकें कभी झपकती नहीं, आंखें आंखों को देख रही हैं, हृदय से हृदय जुड़ रहा है। ऐसा नहीं कि उसमें मुखारविंद पर ध्यान जाएगा कि तुमने कौन सा आभूषण पहना है, शरीर के किसी अंग पर ध्यान नहीं जाएगा। सामान्य व्यक्ति जब होगा तो सर से नज़र तक देख लेगा तुमने क्या कपड़ा पहना है, तुमने बालों में कंघा नहीं किया, क्योंकि अभी वो प्रेम की गहराई नहीं है। इस लौकिक दृष्टांत से मैंने आपको केवल यह समझाया है कि मारिफत की अवस्था में स्वयं को मिटाना होता है। सुंदर साथ के साथ एक और दूरी बन गई है, सच को उजागर करने में एक बाधा खड़ी हो रही है। वो बाधा क्या है? मिराज का तन। मिराज के तन में अक्षरातीत ने विराजमान होकर सारी लीलाएं की। तुम ही उतर आए अरसे इत तुम्ही क्यों मिलाप, तुम ही दई सुदर्श की जो अर्स में हो आप। मूल मिलावे में जो नूरी स्वरूप है वही आवेश रूप से महामती जी के धाम हृदय में लीला कर रहा है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, आंतरिक रूप से अंतर केवल है कि वो नूरी तन है और वो इस नश्वर जगत का तन है जिसमें आवेश स्वरूप लीला कर रहा है। वह असीम है लेकिन इस शरीर के साथ कोई कुछ मर्यादाएं बनी हुई है, लेकिन वह जो स्वरूप चाहेगा यहाँ का तन वैसी ही लीला करेगा। किंतु एक पर्दा है। पर्दा क्या है? राज्जी श्री कृष्ण के तन में ब्रजराज में लीला कर चुके हैं, जागनी में देवचंद जी और मिहराज के तन में लीला कर चुके हैं। कुछ सुंदर साथ तनों के भेद को पहचान नहीं पा रहे हैं। कभी लगता है कि मैं श्री देवचंद जी को तन को देखूं, कभी लगता है कि मिहराज के सदगुरु हैं श्री देवचंद जी। आखिर उस तन में विशेष शोभा हुई, अड़का लीला हुई जब युगल स्वरूप नजर आते हैं चर्चा के समय श्री मिहराज के तन से, तो सुंदर साथ का उस समय भाव बहुत हो जाता है। फिर माया का एक प्रवाह आता है, वो भाव कुछ समय के लिए समाप्त हो जाता है या कम हो जाता है। एक दूरी बनी हुई है प्रकृति के इस संसार में। दूरी क्या है? मर्यादाएं हैं। परम धाम में कोई मर्यादा नहीं, कोई विधि नहीं, कोई निषेध नहीं, कोई द्वैत नहीं, सभी का दिल एक है। काल माया के ब्रह्मांड में सबके दिल की अलग अलग भावनाएं हैं। कोई ज्ञान में डूबा है, कोई बंदगी में डूबा है, कोई सेवा में डूबा है, कोई ध्यान में डूबा है, सबकी विचारधारा अलग अलग है। और ऐसे संसार में वहदत की लीला को समझाना पड़ रहा है, इसलिए सारी दूरियों को मिटाने के लिए यह आवश्यक है कि सुंदर साथ इस बात को समझे जाए कि तनों से हमारा कोई संबंध नहीं, हमारा संबंध मूल स्वरूप के हृदय से है। तभी श्रृंगार के पहले प्रकरण की अंतिम चौपाई में कहा है, एते दिन हक जस गाया लतुनी का बेवरा कर, हके हुकम हाथ अपने लिया जो दिया था मोहम्मद के सिर पर। आखिरी मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी को ये उत्तरदायित्व सौंपा गया था कि सब सुंदर साथ को छर से लेकर परम धाम की पहचान करानी है, सबको परम धाम में परम धाम की चितनी में लगाना है, सबके हृदय में युगल स्वरूप की छवि को बसाना है
और अक्षरातीत की महिमा को उजागर करना है। इतने दिन हक जस गाइया लदुनी का बेवरा कर, महामती जी की आत्मा कह रही है कि मैंने आज तक तारतम वाणी के प्रकाश में श्री राज जी की महिमा का गायन किया है, उसको फैलाया है, लेकिन हके हुक्म हाथ अपने लिया जो दिया था महम्मद के सिर पर। हुक्म लेने का तात्पर्य क्या है? महामती जी को जो कहा गया था कि महामती तुम्हारे तन से परमधाम की वाणी उतरेगी, मेरा आदेश है कि इस ब्रह्मवाणी को सारे संसार में फैलाओ, सारा संसार तुम्हें ही अक्षरातीत मानेगा, लेकिन अब मारिफत में प्रवेश कराना है, इसलिए राज जी ने हुक्म अपने हाथ में लेना ले लिया है। इसका भाव क्या? यदि हमें मारिफत को समझना है तो स्वयं को भूलना होगा, श्यामा जी को भूलना होगा, मैं परम धाम की आत्मा हूँ, मेरा परात्म है, इसको भी भूलना होगा, ब्रज के स्वरूप को भूलना होगा, रास के स्वरूप को भूलना होगा, देवचंद जी को भूलना होगा, और हक की सूरत श्री मिराज के तन को भी भूलना होगा। ये कब होगा? और तो और राज जी के नख से सिख तक की सारी सभा को भी भूलना होगा, जिस अंग में डूबे हैं उसी में डूब जाइए, तब मारिफत में प्रवेश करेंगे। आप मुखारबिंद देख रहे हैं, फिर आपकी नज़र चली गई गले में, फिर छाती में चली गई, फिर हाथों को देखने लगे, तब तो आप हकीकत में आ गए। मारिफत का दरवाजा कैसे खुलेगा? मैंने एक संसार का दृष्टांत दिया है, जहाँ प्रेम बहुत गहरा हो, कई वर्षों के बाद दो प्रेमियों का मिलन हो, चाहे मित्र हो, पति पत्नी हो, भाई बहन हो, कोई भी जिससे गहरा लगाव है, 12 वर्षों के वियोग के पश्चात जब दोनों मिलेंगे तो क्या हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे या गले मिलना शुरू कर देंगे? दोनों की आंखें मिलेंगी और अपलक नेत्रों से दोनों एक दूसरे को देखते रहेंगे, उनकी आंखें मुखारविंद को नहीं देखेंगे, किसी को नहीं देखेंगे, और कुछ पलों के लिए भूल जाएंगे दोनों। बाद में उनको सावचेती होगी, आंसू बहेंगे, गले मिलेंगे, प्रणाम करेंगे। ये तो मैं एक झलक दिखा रहा हूं। इसलिए अब सबको मारिफत में डुबोना है, महासिंगार का अवतरण होना है, तो ये चौपाई कही जा रही है, हके तुम सिर दिया भार, वर्णन करो रे रुचि, मेरी आत्मा अब तुझे राज्य के एक एक अंग का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है, तुझे करना पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्य क्या है? मारिफत के स्वरूप की पहचान। जब तक मारिफत के स्वरूप की हम पहचान नहीं करेंगे, खेल का मुद्दा ही पूरा नहीं होगा। खेल का मुद्दा क्या है? हम राज्य के मारिफत के स्वरूप की पहचान करें, यही तो खेल का महाकारण है। और राज्य ने अपने दिल में लिया, मेहर का दरिया दिल में लिया, सागर मेहर का भर लिया कि अब तक मैंने छिपा रखा था, मैं इन सखियों को तो बता दूं कि तुम्हारे रूप में मैं ही हूं, इन पशु पक्षियों के रूप में मैं ही हूं, परम धाम के कणकण के रूप में मैं ही हूं, मेरे से किसी अन्य स्वरूप की कोई कल्पना न करे। इसलिए अब वो महान कार्य होने जा रहा है, इसके पूरा हुए बिना जागने का लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए श्रृंगार ग्रंथ की पहली चौपाई है वर्णन करो रे रूप जी। अब देखिए इस एक चरण की चर्चा में 25-20 मिनट लगे हैं। इसी शैली में कोई भी आप प्रकरण उठाइए, कहीं की भी चर्चा करनी हो, उसके भाव को समझिए, राज जी के चरणों में प्रणाम कीजिए, उनकी शोभा को हृदय में बसाइए, अपने ज्ञान के अंग को राज जी के चरणों में विलीन कर दीजिए, तब आप उस चौपाई की बढ़िया से व्याख्या कर पाएंगे। अब दूसरा चरण है हके तुम सिर दिया भार, वर्णन करो रे रुचि, हके तुम सिर दिया भार। इस चौपाई इस चरण की व्याख्या कीजिए, कौन करेंगे? देखिए आप शर्म मत कीजिए कि हम ज्यादा नहीं बोल पाएंगे, ऐसा नहीं, जो कुछ होता है टूटी फूटी व्याख्या कीजिए, क्योंकि ये प्रशिक्षण शिविर है, इसमें लज्जा करेंगे तो काम नहीं चलेगा। आपको जहाँ कोई कठिनाई होती है खुलकर बोलिए कि यहाँ परेशानी है, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। अमित जी बोलिए। जैसे मैंने पहले चरण की व्याख्या की, उसी शैली में एक एक चरण की व्याख्या आप लोग कीजिए। अरे कुछ कठिन नहीं है, राज जी के
चरणों का सहारा लीजिए, सब सरल हो जाएगा। प्यारे सुंदर साथ जी, वर्णन करो रे रूह जी, हके तुम सिर दिया भार। अर्थात इंद्रावती जी की आत्मा कहती है कि तू राजी महाराज के मारिफत के स्वरूप का वर्णन कर, ये जिम्मेदारी, ये कर्तव्य, ये उत्तरदायित्व राजी महाराज ने तुमको दिया है। वैसे तो जैसे पूज्य स्वामी जी ने कहा कि राजी के एक अंग में डूबने के पश्चात दूसरे अंग को देखना भी संभव नहीं है। जैसे कि वाणी में कहा गया है, आशिक क्यों वर्णन करे इसके लिए रहमान, एक अंग जो देखन लागी सोती तही भई गलतान। फिर भी परमधाम की ब्रह्मात्माएं इस संसार में आई हुई हैं, उनको मारिफत की पहचान देनी है, इसलिए इंद्रावती की आत्म को ये जिम्मेदारी दी जा रही है कि परमधाम के नूरी स्वरूप का वर्णन यहाँ पर किया जाए। क्योंकि जब तक उस स्वरूप का वर्णन नहीं होगा, परमधाम की आत्माओं को उनके मारिफत के स्वरूप की पहचान नहीं हो सकती। अब यहाँ पर कहा गया है, हक्के तुम सिर दिया भार, अर्थात इंद्रावती की आत्म को ये शोभा अथवा ये उत्तरदायित्व दिया गया है। तो क्या राजी भी पक्षपाती है, ये प्रश्न भी उठता है, क्योंकि इस परमधाम में तो सभी 12,000 ब्रह्मात्माएं समान हैं, तो फिर इंद्रावती की आत्म को ही क्यों ये जिम्मेदारी दी गई है? पहले तन में जब श्यामा जी थी उनको भी दिया जा सकता था, या छत्रसाल जी की आत्म को भी दिया जा सकता था। तो जहाँ तक धनी के मेहर से मैं समझ पाया हूँ, जब रास में राजी अंतर्ध्यान हो गए थे, तो इंद्रावती की आत्म ने जब ब्रिज का नाटक रचा गया था, तो राजी की स्वरूप, श्री कृष्ण जी का स्वरूप उन्होंने धारण किया था। इस कारण से जागनी ब्रह्मांड में उन्हें सिरदारी की शोभा मिली और उन्हें अक्षरातीत के रूप में जाहिर होना पड़ा। दूसरी बात है, जो मरु का जीप था, मिहिराज जी का जीप, वो महान तपस्वी जीप था। उस जीव ने जो कुर्बानी की, जो समर्पण किया, वो अन्य साधारण जीवों के लिए संभव ही नहीं है। इस कारण से उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि राजी महाराज के स्वरूप का यहाँ पर वर्णन किया जाए। जैसे हम लौकिक दृष्टि में देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को उच्च पद या उच्च कर्तव्य तभी दिया जाता है जब उसके अंदर उसकी पात्रता होती है। एक कथन आता है कि जीवन में हमें वो नहीं मिलता जिसकी हम चाहना करते हैं, जीवन में हमें वो मिलता है जिसके हम योग्य हैं। इसलिए वाणी में कहा है, सब पर मेहर महबूब की पर पावे करनी माफक। हम सभी परमधाम की ब्रह्मात्माएं एक ही हैं, फिर भी जो हमारे जीव की कुर्बानी का स्तर है, हमारे समर्पण का स्तर है, वो अलग अलग है। इसी कारण से हमें राजी अपने स्तर के अनुसार अपना आनंद देते हैं और जागनी की शोभा देते हैं। प्रत्येक सुंदर साथ का कर्तव्य है कि युगल स्वरूप को दिल में बसाए। जागनी की शोभा कितनी, किस सुंदर साथ को, किस आत्मा को कितनी मिलनी है, ये तो राजी जानते हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि केवल हम धनी से प्रेम करें और युगल स्वरूप को दिल में बसाए। जिस प्रकार गीता में कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतु भूर माते कर्म माते माते स्तव कर्मणि माते संगस्तव अकर्मणि। अर्थात हमारा केवल कर्म पर अधिकार है, उसके फल पर नहीं। इसलिए बिना फल की इच्छा रखे अपना कर्तव्य हमें करते जाना है। इसी प्रकार से चाहे हमें कितनी भी दुविधाएं या व्याधियों का सामना करना पड़े जीवन में, हमें प्रत्येक समय राज्य की शरणागति लेते हुए युगल स्वरूप को दिल में बसाना चाहिए। यही हमारा जीवन का परम कर्तव्य होना चाहिए। बाकी राज्य के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि हमारी आत्म जागृति कैसे करते हैं, जागने की शोभा हमें कैसे मिलती है। एक ब्रह्म सृष्टि का कर्तव्य केवल युगल स्वरूप को दिल में बसाना है।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। प्रणाम जी। और कौन करेगा? ज्योत्सना बहन जी। देखिए, प्रसंग को हमें समझना होगा। हके तुम सिर दिया भार, क्यों भार दिया? जब तक प्रसंग को समझेंगे नहीं, वाणी के समझने के लिए अपने मन को पूरी तरह से शांत कर दीजिए। जैसे तालाब का जल बिल्कुल शांत हो जाए, गहरा जल, तो उसमें से ज्ञान का प्रकटीकरण होता है। बिना मन को शांत किए जब आप बोलने लगेंगे तो लिंग से बाहर चले जाएंगे। जब भी आप व्याख्या करने जाइए, राज्य के मुखारविंद को देखिए, चरणों को देखिए, अपने हृदय को डुबो दीजिए, फिर आपकी आत्मा का तार राज्य से जुड़ गया और तब बोलना शुरू कर दीजिए। वर्णन करू रे रोजी, हके तुम शीर दिया भार। महामती जी स्वयं अपनी आत्मा को कहती है कि हे आत्मा, तुम के सिर पर ये उत्तरदायित्व है, तुमको ये शोभा दे गई है कि तुम राज्य के नक्शे शिख तक का वर्णन कर, क्योंकि तुम शीर दिया भार, मतलब कि सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज दिन तक किसी ने निराकार से आगे का अभी तक वर्णन नहीं किया है। कोई साकार का ध्यान करते रहे, कोई निराकार का ध्यान करते रहे, कोई साकार निराकार से परे बेहद तक पहुँचे, जो अक्षर ब्रह्म की चार विभूति पाद अव्याकृत शबलिक केवल और सत्स्वरूप, तो उसमें भी पंच वासनाएं पहुँची हद ब्रह्मांड को उल्लंघन, तो वो भी सबलिक तक अक्षर का स्थान मान लिया और केवल ब्रह्म तक अक्षरातीत मान लिया, उसके आगे जो सत स्वरूप क्या है और उसके आगे भी अक्षर धाम और अक्षरातीत का धाम स्वरूप और लीला क्या है, उसके बारे में अभी तक इस सृष्टि में किसी ने नहीं बताया है। तो तेरे सिर पर महामती की आत्मा कह रही है कि धाम धनी स्वयं तुमको ये शोभा दे रहे कि, और आगे बताया कि हक देख टिकिया रहे, सोई अरस के तन, सोई करे मूल मजकूर, सोई करे वर्णन। हक देख टिकिया रहे, जो राज्य को देख कर वही तन टिका रहेगा कि जिस तन के अंदर परमधाम की आत्मा बैठी है। तो सुंदर साची, वहाँ भी एक प्रश्न खड़ा होगा कि जिस तन के अंदर आत्मा बैठी है, वो जीव ने भी कितनी कसनी की होगी, कितना तपाया होगा, उसके बाद ही उस पर ये परमधाम की आत्मा बैठी। और इतना नहीं, आगे भी बताया कि एक जो दारू बारूक के जो गोले होते, एक दारू के जो गोले होते, उससे थोड़ी दूरी पर भी अग्नि हो, तो अग्नि को थोड़ी दूरी पर है तो भी स्पर्श नहीं हुआ है तो भी वो अपना अस्तित्व समाप्त कर देते हैं। तो कहने का मतलब कि संसार के ये मायावी जीव परमधाम का वर्णन नहीं कर सकेंगे। यही शोभा तो मैंने तुझको दी है। और आगे भी बताया कि सोई करे मूल मजकूर, वो जीव को कितना तपाया हम सब जानते हैं, ऐसे सरलता से शोभा नहीं मिली है। सुंदर साथ जी, जब इंद्रावती जी ने पहला प्रयास शुरू किया कि जब सतगुरु की पहचान अभी पूर्ण नहीं हुई थी उसके अंदर बैठे हुए धामधनी की, कि तब रास्ता बदलती है, मन की परीक्षा लेती है, वहाँ से कसनी शुरू हुई। और आगे तो हमने सब देखा कि अरब की और ऐसा तपते तपते हब्सा की अंदर भी 6 मास तक अपने जीव को कितना तपाया। ऐसे तो मरु के जीव ने कलाप ग्राम से लो तो बहुत ही कसनी की। फिर धामधनी ने मूल स्वरूप ने सोचा कि उस जीव मरु के जीव को यह शोभा देनी है। और आगे भी बताया कि सुख देऊ सुख लेऊ सुख में जगाऊ साथ, इंद्रावती को उपमा में दई मेरे हाथ। और इतना ही नहीं,
और आगे भी बताया सुंदर साथ जी के तारीफ मोहम्मद मेहंदी की ऐसी सुनी न कोई क्या है, कहीं ब्रह्मांड हुए कहीं हो ऐसी पर किन ब्रह्मांडो ना है। ये क्यों कहा, सुख देऊ सुख लेऊ जुग सुख में जगाऊ साथ। तो परम धाम से ही धाम धनी ने जो अभी स्वामी जी ने भी बताया कि जो मूल की पे जो परम धाम के हकीकत के रूप में जो 25 पक्ष की शोभा बनी है वही धाम धनी के तो स्वरूप है। ये पहचान वहाँ रूप की तो हुई कि मैं सखिया हूँ चाहे होज कोसर हूँ चाहे माणे को, लेकिन स्वरूप की पहचान वहाँ नहीं हुई थी। तो वो स्वरूप की पूर्ण पहचान देने के लिए सुंदर साजी श्रृंगार ग्रंथ में अभी आगे तो बहुत कुछ है लेकिन मैं ज़्यादा विस्तार नहीं करूँगी, उसमें इतना ही कह सकती हूँ, 5 मिनट का बोला है। तो सुंदर साजी सब उपमा शोभा श्रृंगार सारी में बेख तुम्हारो लियो, तो जो पूरा उत्तरदायित्व जागरी ब्रह्मांड में इंद्रावती की आत्मा को मिला है ये धाम धनी ने सुंदर साजी पहले से ही अपने दिल में ले लिया था, बस इतना ही कहूंगी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। और कोई बोलेगा, बोलिए। हक्के तुम सिर दिया भार। मामती जी कह रहे हैं कि इसका जो वर्णन करने का उत्तरदायित्व है वो इंद्रावती जी की आत्मा अपनी को कह रही है कि तुम्हें दिया है। आखिर इंद्रावती जी की आत्म को ही ये भार क्यों दिया गया? इससे पहले देवचंद्र जी के तन में भी जब लीला हुई तो श्यामा जी की आत्म को शोभा दी गई, और 1735 में जब दूसरे तन में श्यामा जी ने मिराज जी के तन में लीला की तो उनको अपनी निस्बत की भी पहचान हो गई। और ये भार जो है इंद्रावती जी को इसके इसलिए दिया गया क्योंकि श्यामा जी अपने स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकती थी, उस तन में राज्य विराजमान थे श्यामा जी भी थे तो वो अपने ही स्वरूप का वर्णन करते तो कैसे करते, इसके लिए कि कोई दूसरा तन की ज़रूरत थी जो कि तन मेरा जी का भले था इंद्रावती जी की आत्म थी, जिसके लिए श्रृंगार ग्रंथ में भी कहा गया है बोझ दिया ना इन स्वरूपों के। ये बोझ जो है वो राजी और श्यामा जी को नहीं दिया गया बल्कि ये इंद्रावती जी को दिया गया, भले ही उस तन में श्यामा जी ही थी क्योंकि इंद्रावती जी की आत्म जो थी उसने जो कुर्बानी की वो कुर्बानी आज दिन तक कोई भी नहीं कर सका। रास में भी जब हम गए, ब्रिज में भी लीलाएं हुई, रास के अंदर भी जब लीलाएं हुई तो उन लीलाओं में इंद्रावती जी की आत्म ने जो कुर्बानी की किस जिस तरह से अपने धनी को रिझाया तो धनी ने पहले से ही अपने दिल में ले लिया था कि अब ये शोभा जो है को किसको मिलेगी, इंद्रावती जी की आत्म को। इसीलिए इस जागनी के ब्रह्मांड में ये शोभा जो है इंद्रावती जी को ही मिली और इंद्रावती जी के द्वारा ही नख से शिख तक का वर्णन जो है वो कराया गया। मेरा थोड़ा सा भाव जी। सुंदर साहब जी एक बात पर गहराई से ध्यान दीजिए, वाणी के प्रत्येक शब्द का कुछ न कुछ आशय होता है। मैंने पहले कह दिया खेल का महाकारण क्या है, अपने स्वरूप की पहचान करना। परम धाम में सभी सामने हैं लेकिन सभी एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे हैं सिवाय राज्य के, केवल राज्य जानते हैं कि वहदत की मारिफत क्या है, निस्बत की मारिफत क्या है, इश्क की मारिफत क्या है। ये बताना ही तो खेल का खेल के लिए महाकारण है और इसीलिए खेल बनाया गया है। ब्रज में देखिए, ब्रज में इंद्रावती का नाम माणकदे है, माणकदे जुए करिकांत। स्थिति क्या है इंद्रावती की, प्रेम पिया सोना करे अंतर तो ये दुख देखे क्यों कर। प्रेम पिया सोना करे अंतर, प्रेम में अपने और धनी के बीच में कोई भेद नहीं रखा। संसार का एक भक्त अपने और भगवान के बीच में एक दूरी पाता है। मैंने
एक वेद मंत्र को कई बार उच्चारित किया क्योंकि वो मुझे बहुत प्रिय है। उस मंत्र में क्या कहा गया है, जो तू है वह मैं हो जाऊं और जो मैं हूं वो तू हो जाए। यद अग्नि श्याम हम तुम व घ श्याम सत्या सुहते आशीष है, हे परब्रह्म तेरी आशीष सत्य हो जाए, तेरी कृपा सत्य हो जाए। उसकी कृपा क्या है, प्रिया प्रियतम बन जाए और प्रियतम प्रिया बन जाए। जो तू है वह मैं हो जाऊं और जो मैं हूं वह तू हो जाए, तू मेरी जगह हो जाए मैं तेरी जगह हो जाऊं, यही तो मारिफत है। इंद्रावती जी ने अपना अधिकार पहले ही समझ लिया, परम धाम में तो सभी बराबर हैं। आप रास में देखिए, ब्रज से रास में जाते हैं, राज जी कहते हैं कि स्वागतम वो महाभागा ब्रु किम करवाणी ते, महाभाग्यवती गोपियों बताओ तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा क्या करूं, अपने घर को अपने पतियों को छोड़कर मेरे पास क्यों आई हो। पतिव्रता तो चाहे पति अंधा हो लूला हो लंगड़ा हो कोढ़ी हो उसको नहीं छोड़ती, तुमने लोक लाज की मर्यादा छोड़कर इतनी रात को कहाँ आई हो। तुम वापस अपने घरों में लौट जाओ क्योंकि पति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। सखियों को ही असह्य हो जाता है और बेहोश होकर गिर पड़ती है। कौन खड़ी रहती है, एक इंद्रावती, क्योंकि इंद्रावती ने समझ लिया था मैं हूँ, मैं वही हूँ जो वह है, या किसी ने नहीं समझा, सपने अपने को असहाय समझा। आप इतने हैं बताएं, इतने बहने बहने बैठी हैं, एक बात बताइए, आप अपने घर में रहती हैं तो क्या आप अपने को दासी मानती हैं? आप अपने घर को तो अपनी मालकिन समझती हैं, भले ही पति के नाम से घर की रजिस्ट्री हुई हो, आप सोचती हैं कि हमारा अधिकार है। पति से भी आप लड़ लेती हैं, उसको भी धमका देती हैं कि आप बाहर चले जाओ अभी भोजन नहीं मिलेगा, किस अधिकार से। इंद्रावती को मालूम है कि मैं अक्षरातीत की प्राणेश्वरी हूँ, अर्धांगनी हूँ, वो सर्वेश्वर है तो मैं सर्वेश्वरी हूँ, वो सबके प्राणेश्वर है तो मैं प्राणेश्वरी हूँ। इंद्रावती के द्वारा इंद्रावती को राज्य बता रहे हैं, किस लिए, क्योंकि संसार में लीला करनी है। आप देखिए, श्रीकृष्ण रास की रामतों के बीच में राधा जी के साथ हैं। राधा जी कहती हैं कि मैं बहुत थक गई हूँ कन्हा, मुझे अपने कंधे पर बैठा लो, क्योंकि क्या दिखाई दे रहा है कि कृष्ण तो अब हमारे बस में हो गया है, क्योंकि कृष्ण प्रेम में डूबे हैं, किसी के जुड़े से फूल गिर जाता है उठा करके रखते हैं उसमें पुनः लगा देते हैं, सबके मन में भावना क्या हो जाती है, अब तो ये हमारे अधीन हो गए। तभी कहती है कि मैं थक गई हूँ मुझे कंधे पर बैठा लो, और राधा जैसे ही बैठने की कोशिश करती है श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब राधा को पीड़ा होती है कि मैंने ये भूल क्यों की, सभी बेहोश है, अभिमान और स्वाभिमान दोनों में अंतर होता है, अभिमान पतन का कारण है, स्वाभिमान उन्नति का कारण है। इंद्रावती जी को स्वाभिमान है, राधा के अंदर काल माया वाला अभिमान नहीं है, वो प्रेम का अभिमान है कि मैं थक गई हूं तो मुझे बैठा लो। जहां समर्पण होता है वहां अपने बारे में कुछ नहीं सोचा जाता। इंद्रावती ने ब्रज की मैं कुछ नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, केवल मेरा प्रियतम है उसके लिए क्या करना है ये इंद्रावती को पता है। इसलिए जब देखा कि सभी बेसुध पड़ी हैं, बिलख रही हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा है, तो क्या कहती है, मैं ही कृष्ण बनती हूँ और तुम नाटक करो। राधा में कृष्ण बनने का भाव नहीं पैदा होता, किसी में भाव नहीं होता, ये भाव किसके अंदर होता है, इंद्रावती जी के अंदर। किस लिए, मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, उनकी स्वरूपा हूँ, मैं कृष्ण का अभिनय करूँगी। और राज्य से अधिकार से कहती है कि कृष्ण अब इतनी रामते हो गई, काल माया से योग माया में प्रवेश करने वाली रामत होनी जा रही है, ये लकीर मैं खींच रही हूँ, आपको अभी आना पड़ेगा। किस अधिकार से कह रही है, कोई स्तोत्र का पाठ नहीं कर रही है, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा नहीं रही है। इंद्रावती को विश्वास है कि मैंने उनका रूप धारण किया है तो मेरी लाज रखने के लिए उनको आना पड़ेगा। इसलिए अब जागनी में देखिए, फिर वही गलती, रास वाली गलती राधा जी से श्यामा जी की आत्मा से हो रही है।
हो नहीं रही है, हम सबको सिखापन देने के लिए लीला करवाई जा रही है, और नहीं तो परब्रह्म की हिलादनी शक्ति से गलती क्यों हो जाएगी, क्योंकि हम जागनी लीला में उस रहस्य को समझ जाए। देवचंद जी के तन में राज्य बैठकर लीला कर रहे हैं। श्यामा जी की आत्मा सोचती है कि मूल स्वरूप ने तो निश्चित किया है कि इंद्रावती जी के तन से वाणी उतरेगी, उनके तन से जागनी होगी, मेरे तन से तो वाणी अवतरित नहीं होनी है, इसलिए वहाँ सिफारिश लगवा रहे हैं, 69 चिट्ठियाँ लिखवाते हैं और सबसे कहते हैं कि देखो जब राज जी आकर प्रकट हो तो कह देना कि पहले सतगुरु महाराज से जागनी करवा लो। इंद्रावती यहाँ भी बाजी मार जाती है, हफ्से में विरह में तड़प तड़प कर पुकारा कि मेरे प्राणेश्वर मेरे सामने आओ। आते हैं, कुछ नहीं मांगती है, न जागनी मांगती है, न कोई शोभा मांगती है, कुछ नहीं मांगती है, केवल यहाँ भी चाहती है कि मैं आपको रिझाती रहूँ। देवीचंद जी के तन में बैठी है, बैठे हैं, तभी भी प्राणेश्वर के प्रति समर्पित है, चाहे अरब जाना हो, चाहे कुछ भी करना हो। ये जरूर अपने ऊपर कह दिया, साहेब तो पूरा मिल गया पर मैं थी लड़कपन। इंद्रावती जी जब देवचंद जी के तन से लीला हो रही होती है, अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है, एक बात का जरूर पश्चाताप उनको रहता है, पतित श्रोमन यो कहे जो मैं किए है बचले मेरे साहेब से द्वेष। थोड़ी सी भूल हो जाती है केवल एक बार कि सतगुरु महाराज को परमधाम दिखता है तो मुझे क्यों नहीं दिखता। बराबरी करने की जो होड़ लगी वहां इंद्रावती जी थोड़ी सी हारती हैं, लेकिन फिर जीत जाएंगी अपने विरह के बल से, क्योंकि ये नहीं कहा कि सतगुरु महाराज को दिखता है तो मुझे भी दिखना चाहिए, ये नहीं, उसमें कोई अभिमान नहीं था, अधिकार की भावना थी कि जब मैं परमधाम की आत्मा हूं तो मुझे भी तो दिखना चाहिए, ये नहीं कि मैं सतगुरु महाराज की बराबरी कर लूँ, बराबरी का भाव नहीं था, ये भाव था कि अधिकार के नाते हमें थोड़ा भी तो झलक मिल जाए, सतगुरु महाराज वर्णन करते हैं तो थोड़ी झलक हमें भी मिल जाए, ताकि लगे तो कि हम परमधाम की आत्मा है, अपने मूल निस्बत के अधिकार से थोड़ी चाहना की थी, लेकिन कहती हैं कि मैंने ये तो अमिट गुनाह कर दिया, जब उस तन से लीला हो रही थी मैंने क्यों ये चाहना कर ली। अब आगे देखिए, इंद्रावती जी की आत्मा के धाम हृदय में राज्य विराजमान हो गए हैं। इंद्रावती जी कहती हैं, ना चाहूँ मैं बुजुर्गी, ना चाहूँ खिताब खुदा है, इश्क दीजो मुहे अपनो, मेरा यही सुबुदा है, मुझे अक्षरातीत भी नहीं कहलाना, मुझे कुछ नहीं करना है, साहेब हो बैठे हो तुम, आप किसी और तन में बैठ जाइए ताकि मैं जी भर करके रिझा लूँ। राज्य उनको सब कुछ देना चाहते हैं, वो ठुकरा रही है कि नहीं, आपकी नेमतें आपके पास, मुझे आपकी कोई मेहर नहीं चाहिए, हमेशा समर्पण की जो भावना है वही इंद्रावती जी को सबसे आगे ला रही है। सभी मांग रहे हैं, रू अल्लाह मांगिया जितनी इलम, जिद से मांगा कि मेरे तन से आप जागनी क्यों नहीं कराओगे। इंद्रावती जी कह रही कि मुझे जागनी नहीं करनी है, दोनों में 36 का आंकड़ा है, और यही समर्पण की भावना, मार्फत में डूबने के लिए स्वयं को मिटाना होगा, ये किसी ने नहीं सीखा, न ब्रज में सीखा, न राज में सीखा, सभी लेकर बैठे हैं हमारा प्रेम बड़ा है, हमारा प्रेम बड़ा है, जब नमक का ढेला सागर में गल जाएगा तभी तो कुछ जानेगा कि सागर क्या होता है। मैंने अभी दृष्टांत दिया था, एक बरगद का बीज जब मिट्टी में मिलेगा तभी तो वृक्ष बनेगा, नहीं तो अंकुर ही नहीं फूटेगा। अहंग के विसर्जन के किए बिना कोई मार्फत का दरवाजा नहीं खोल सकता, इंद्रावती जी ने हमेशा ऐसा किया, इसलिए हफ्से में राज्य को कहना पड़ता है, इंद्रावती सारों के सुख कारणे तू जाहिर हुई महामत, तेरे तन से परमधाम की वाणी अवतरित होगी, सबका सबको सुख तुम्हारे माध्यम से मिलना है। श्यामा जी के तन से राज्य चाहते तो ये तो करवा सकते थे, श्यामा जी का वर्णन नहीं हो सकता था, राज्य अपना तो वर्णन करवा सकते थे, बीतक में स्पष्ट वर्णन है कि राज्य श्यामा जी के वस्त्रों आभूषणों का वर्णन देवचंद जी करते थे और सबको चितवनी करवाते थे। हाँ, लेकिन अब एक दूसरे तन को पकड़ना है,
क्योंकि इंद्रावती जी ने ब्रज में कुर्बानी का भाव क्या है, सबसे बड़ी कुर्बानी क्या है, ये कह सकते हैं अपने तन का बलिदान, मन का बलिदान, स्वयं के बलिदान का अर्थ क्या है, स्वयं को मिटा देना, अपने अस्तित्व को मिटा देना ही सबसे बड़ी कुर्बानी, सबसे बड़ा त्याग है। इंद्रावती जी ने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, सभी अपने बारे में सोचते हैं। इंद्रावती जी यहीं से बाजी मार ले जाती हैं कि न जागनी मांगी न शोभा मांगी, कुछ नहीं मांगा, उल्टे कहा कि नहीं मेरा लक्ष्य तो केवल आपको रिझाना है, स्वयं को आप में डुबो देना है। तभी तो कहती हैं कि पोपट करे नीलडे पांख, और आप क्या बन जाओ, मैं क्या बन जाऊं, हूं थऊं साखने द्राख, मैं प्रेम तड़ा पिजरा में खालूं, हूं थऊं साखने द्राख, आपको अपने प्रेम के पिजरे में हरे पंखों वाला तोता बना लूं और स्वयं मीठा अंगूर बन जाऊं ताकि आप मुझे खा लो, मैं आप में डूब जाऊं। कितनी प्रेम की विरह भावना है, ये भावना जिसको आएगी वही तो बाजी मारेगा। इसलिए इंद्रावती जी को सुबह मिलती है, श्यामा जी को सुबह नहीं मिल सकी क्योंकि इंद्रावती जी ने वेद के उस कथन को चरितार्थ कर दिया कि जो तू है वह मैं हो जाऊं और जो मैं हूं वो तू हो जाए। सबने एक दूरी बनाई, रास में श्यामा जी ने भी दूरी बना ली। ये जरूर आप कह सकते हैं कि अधिकार समझती थी, तभी तो राधा ने कहा कि मुझे अपने कंधे पर चढ़ा लो, लेकिन इस भाव से कहा कि मैं थक गई हूँ, मुझे अपने कंधे पर चढ़ा लो। यदि ये कहते कि मैं बहुत थक गई हूँ और श्री कृष्ण कहते कि आओ मैं कंधे पर चढ़ा लेता हूँ, तब तो ठीक था, तब कोई दोष नहीं होता। ये कहना है कि अपने कंधे पर चढ़ा लो क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ, इसका भाव यह होता है कि वो अपने अधीन समझ रही है, ये प्रेम की हार होती है। प्रेम की जीत कब होगी, अपना कुछ न सोचा जाए, केवल सर्वस्व त्याग, और महामती जी की आत्मा सभी कसौटियों पर खरा उतरती रही, अब दूसरे तन में वाणी उतरेगी। लेकिन सागर की वाणी उतार करके भी मौन रहा जा सकता था, लेकिन नहीं, श्रृंगार की वाणी उतारनी है, मार्फत का दरवाजा खोलना है। इसलिए इंद्रावती जी कह रही है कि राज्य ने ये शोभा मुझे दी है, सातों स्वरूप अखंड मैं वर्णन किए सिर ले, दो रास पांच अर्ष जेम पर बोझ न दिया सिर स्वरूपों के। दोनों स्वरूपों का वर्णन होना है, सातों स्वरूप अखंड मैं वर्णन किए सिर ले। ब्रज रास के श्रृंगार का वर्णन तो पहले हो चुका है, परम धाम के पांच श्रृंगारों का वर्णन, इंद्रावती जी के आत्मा के तन से होता है। किस लिए, महाश्रृंगार का वर्णन करके सारे सुंदर साथ को उसी मारिफत की राह पर ले जाना है, क्योंकि मारिफत की राह पकड़े बिना खेल का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि इंद्रावती देखो, राज जी ने तुझे पकड़ा है, सब सुंदर साथ के सुख के लिए, सबके लिए मारिफत का दरवाजा खोलने के लिए, अब तेरे तन से राज जी अपने नख से सिख तक की एक एक अंग की बृहद शोभा का वर्णन करेंगे। इसलिए तो इसको कहते हैं महाश्रृंगार, ये भार तुझे तो उठाना पड़ेगा क्योंकि राज जी ने तेरे अंदर की मैं खुदी को हटाकर हक की मैं भर रखी है, यही है हक का नूर। यदि हक की मैं आ जाती है तो उसमें राज जी का सारा सौंदर्य है, ऐश्वर्य है, प्रेम है, ज्ञान है, आनंद है, हक का नूर उसी में रहता है। जीवन का स्वरूप पर लक्ष्य होना चाहिए, हमें हक की मय को लेना और अपने मय को विलीन कर देना। ब्रज में ये किसी से नहीं हो पाया, रास में किसी से नहीं हुआ, जागनी में स्वयं श्री अम्मा जी से नहीं हो पाया है। इंद्रावती दी बाजी मारती जा रही है, चाहे ब्रज हो, चाहे रास हो, चाहे जागनी हो, इसलिए उनको इतनी बड़ी शोभा दी गई। कोई अपने स्वरूप की पहचान करके अधिकार नहीं रखता, अधिकार नहीं रहेगा तो क्या मिलेगा। जब तक आप अपने और धनी के बीच में
किसी तरह की दूरी है, उस दूरी को समाप्त नहीं करेंगे संसार की, तब तक आप मारिफत का दरवाज़ा कैसे खोल सकते हैं। इसलिए इंद्रावती जी की आत्मा ने कहा कि अब तुझे सब सुंदर साथ के सुख के लिए नख से सिख तक युगल स्वरूप की शोभा का जो तुमने तेरे तन से वर्णन हुआ है उससे भी परे राज्य के एक एक अंग की शोभा में तुझे डूबना होगा, सब सुंदर साथ को डुबाना होगा। इस यही कारण है अब वर्णन होने जा रहा है श्री राज्य के नख से सिख तक का श्रृंगार, और ये उत्तरदायित्व सौंपा जा रहा है केवल इंद्रावती जी की आत्मा को। हके सिर तुम सिर दिया भार। तीसरा चरण है अर्श किया अपने दिल को। बताइए इसका अर्थ कौन करेगा? हाँ बोलिए। सुंदर साथ जी, इस चपाई में कहा गया है, चपाई के एक चरण में अर्श किया अपने दिल को। अब जो इंद्रावती जी हैं उनका जो हृदय धाम बन चुका है, वो तो अर्श बन चुका है। ये सब किसके लिए कहा है? हम सब आत्माओं के लिए, ब्रह्मात्माओं के लिए, कि हमने अपने दिल को अर्श करना है। अब राजी ने श्री कुलजम स्वरूप वाणी में कहा है कि ऊपर तले अर्श न कहिया, अर्श कहिया मोमिन कलो। तो उन्होंने ज्ञान स्वरूप में तो हमारे दिल को अर्श कह ही दिया है, लेकिन अब हमें उसके अंदर प्रेम भरना है, क्योंकि इलम और इश्क दोनों एक दूसरे के प्राण हैं। इलम से तो हमने जान लिया कि राजी हमारे दिल को अर्श बनाकर बैठे हुए हैं, लेकिन वास्तव में वह अर्श कब बनेगा? जब हमारे दिल में उस धाम धनी के प्रति प्रेम आएगा। जब तक प्रेम नहीं आता तब तक वो अर्श नहीं बन सकता। कहते हैं कि पाक, देखो हम शरीर को तो साफ कर सकते हैं, जल से साफ कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो अंतस्करण है वो क्या है? एक दर्पण के समान है। जैसे दर्पण के ऊपर अगर मैल है तो उस दर्पण में चेहरा साफ दिखाई नहीं देगा, इसी तरह से अगर हमारे अंतस्करण में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अन्य विकार हैं, तब तक वो जो परम सत्य है, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अच्छातीत है, वो हमारे हृदय में कभी भी प्रतिभासित नहीं होगा। कहा है विकार सारे अंग के, काम क्रोध दिमाग, विरह बिला ना जले, होए नहीं दिल पाक। तो जितने भी हमारे ये विकार हैं, इन विकारों को जलाने के लिए हमें क्या करना होगा? विरह की अग्नि में जलना होगा। कहते ना दुख दुखते विरह उपजे, विरह प्रेम इश्क, प्रेम इश्क जब आइया तब नैचे मिलिया हक। अब कहते हैं दुखते विरह उपजे, ये जरूरी नहीं है कि वो दुख जो है वो हमें कोई सांसारिक मिले। संसार में हमें दुख मिलता है तब भी ऐसा होता है कि हमारे अंदर एक विरह जागता है, लेकिन अगर मान लो हमारे अंदर धाम धनी के प्रति दुख होता है कि वो मेरे धाम धनी हैं, मेरे प्राण प्रीतम हैं, तो मुझसे दूर क्यों हैं, मुझे दिखते क्यों नहीं, वो मेरे पास आते क्यों नहीं, जब ये दुख आता है तो उस दुख से विरह उपजता है और उस विरह से ही इश्क आता है। अब दुख का है पाक न होइए इन जिमिए, चाहिए अर्श का जल, नाइए हक जमाल में तब होइए निर्मल। कहते हैं कि हम अपने अंतस्करण को अगर शुद्ध करना चाहते हैं तो हम इस जमीन पर रह करके इस जल से कभी भी पाक नहीं हो सकते, तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? अर्श का जल। और वो कैसे संभव होगा? चितवनी के माध्यम से, जब हम ध्यान करेंगे और ध्यान के माध्यम से हम यमुना जी में स्नान करेंगे और हमें ऐसा लगेगा कि वास्तव में हम स्नान कर रहे हैं, तब हमारा जो है, जब हम नाहिए हक जमाल में, जब हम राज्य के नूर में, सौंदर्य में, उनके श्रृंगार में खो जाएंगे, तब जाकर के क्या होगा? हमारा दिल पाक होगा। और एक बात और भी है उसके लिए, जैसा स्वामी जी बहुत कुछ इसके बारे में बता भी चुके हैं अभी, कि हमें समर्पण करना है, मैं को त्यागना है। कहते हैं मैं डूबिया हर कोई, मैं से पार न पावे कोई, मैं से पार वो पावहीं जिन पर मुतलक बख्शिश हुई।
दान देने की जब बख्शीश होती है, और बख्शीश कब होती है, जब वो देखते हैं कि ये रूह ये आत्म इस योग्य बन गई है कि इसे अब ये खजाना मिलना चाहिए, अब इसे ये सब कुछ देना चाहिए, तब क्या होता है वो मैं अपने आप ख़त्म हो जाती है। जब तक मैं समझी नहीं, जब तक रूह समझती नहीं, तब तक थी मैं कहते समझे थे मैं मिट गई, ये सब कुछ हुआ तुमसे, सब धाम धनी से होता है। सुंदर साहब जी, अगर हम ये चाहेंगे कि हमारे ये सभी विकार मिट जाएं, और हम इस तब हमें इसके लिए क्या होगा, धाम धनी के प्रति विराम वाणी में कहा है, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारो विश्राम। ये इंद्रावती जी के लिए या परमहंसों के लिए तो ठीक है, अगर हम लोग ऐसा बोलते हैं तो ये बातें बहुत दिल को चुभती हैं कि है धनी क्या बोल रहे हैं हम, हमने अब तक अपने दिल को अर्श तो किया ही नहीं है, कहाँ हमारा दिल अर्श हुआ है। जब हम धनी को पुकार रहे हैं, क्या हमने अपने दिल को ऐसा बना लिया है, तो तभी तो आकर के धाम धनी इसमें विश्राम करेंगे, जब हमारा दिल इस तरह से बहुत पाक साफ और निर्मल हो जाएगा। और वो कैसे संभव होगा, देखो हम सोचते रहें कि हम तो बहुत पापी हैं, कामी हैं, बहुत हमारे अंदर विकार हैं, धाम धनी हमारे अंदर नहीं आ सकते, तो सुंदर साहब जी हमें अपने आप को क्या करना होगा, हमें समर्पित करना होगा। जिस तरह से एक लोहा जिस पर जंग लगी होती है, कितना उस गंदा होता है मैला, लेकिन उसे अग्नि में डाल दो तो अग्नि के समान धधकने लगता है। जब हम अपने आप को पूर्ण रूप से उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत के प्रति समर्पित कर देंगे, और हम कहेंगे मैं तो तुम्हारी कियल अव्वल बीच और हाल, और जो कुछ भी तुम बिना सब में आग की झाल, तो वो स्थिति कब आएगी, जब वो विरह आएगा, वो प्रेम आएगा, वो दर्द आएगा, तभी जा करके वो स्थिति आएगी। जिसमें कहा है प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फिर मांगूं फिर, तो इस तरह से सुंदर साहब जी ये अपने दिल को पहले अर्श बनाना पड़ेगा। ये इंद्रावती जी ने हम सब सुंदर साथ के लिए कहा है कि अपने दिल को हम अर्श बनाएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। दीप्ति, अर्श किया अपने दिल को, इसके बारे में बोलो थोड़ा बहुत। अर्श किया अपने दिल को, सबसे पहले तो सुंदर साहब जी अर्श क्या होता है, अर्श किसे कहते हैं? अर्श वो है जहाँ राजी अपनी रूहों के साथ हर पल हर घड़ी विराजमान होते हैं। अर्श में राजी रूहों के अलावा, उनके प्यार के अलावा और किसी चीज़ का स्थान नहीं होता, किसी चीज़ का अस्तित्व नहीं होता, सिर्फ प्रेम होता है। और प्रेम क्या है, इश्क शब्दादि साक्षात सिर्फ राज्जी होते हैं और कुछ नहीं होता है। और राज्जी ने वो शोभा इस जागनी ब्रह्मांड में अपनी रूहों को दी हुई है। ऊपर तले अर्श ना कहया, अर्श कहया मोमिन दिल, हमारे दिल को राज्जी ने अर्श किया कहा हुआ है और अर्श की शोभा दी हुई है। राज्जी ने अपना प्रेम जताते हुए रूहों के दिल को अर्श तो कह दिया है, लेकिन अब हमारा कर्तव्य होता है कि हम उसे वास्तविक रूप में धनी का अर्श बनाए। जब इंद्रावती जी वाणी में पुकार करके राज्य को बोल रही हैं कि हे मेरे प्रीतम, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, कि मेरे प्रीतम आपने मेरे दिल को अर्श तो कह दिया है, लेकिन वो वास्तव में अर्श तभी बनेगा जब आपके चरण कमल उस दिल में आए, आप उस दिल में विराजमान हो जाओ और आप में और मुझ में कोई अंतर ना रहे, तभी तो उसको अर्श कहने की सार्थकता प्राप्त हो सकती है। और ऐसा तभी हो सकता है जब, जैसे स्वामी जी ने बोला कि हम अपने आप को राज्जी के हवाले कर दे, अपना सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित कर दे। और उसके लिए जैसे वाणी में कहा गया है कि राज्जी रूहों को अपनी अमृत भरी नज़र से सींचते हैं, वो माली है जो एक बीज में से अंकुर, एक बीज में से पौधा बनने के लिए क्या किस चीज़ की आवश्यकता होती है वो सब कुछ राज्जी कर देते हैं, लेकिन उससे पहले बीज को ये होता है कि बीज अगर अकड़ के खड़ा हो जाए कि मैं जमीन में भी गड़ना ही नहीं चाहता हूँ, तो उसमें से कभी अंकुरण प्रस्फुटित नहीं हो सकता है। तो राज्जी वही चाह रहे हैं कि, और वाणी में भी राज्जी ने बोल दिया, पूरी खिलवत वाणी उसी को पुकार करके कह रही है कि अगर हमें अपने राज्जी का
अपने दिल को राज्य का अर्श बनाना है तो अपने आप को राज्य के चरणों में समर्पित करना पड़ेगा। तो अर्श किया अपने दिल को, राज्य ने अपने दिल को अर्श कह दिया है। सिर्फ कहा नहीं है, सब कुछ नियामत दे दी है, वाणी में सब कुछ ज्ञात करवा दिया है। अब उन्होंने जो रास्ता बताया हुआ है उस पे चलकर हमें वास्तविक रूप में अपने दिल को अर्श बनाने की शोभा को प्राप्त करना पड़ेगा। प्रणाम जी सुंदर सर। ये भाइयों में से और कोई है? आप आइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अर्श किया दिल अपना। मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट में जानना चाहता हूँ, एक मिनट के अंदर ही खत्म करना चाहता हूँ। मेरी समझ ये आ रहा है, हो सकता है ये सही भी हो गलत भी हो। बात क्या हो रहा है? राज्य की वर्णन करनी है। पहले चरण में ये हो रहा है, दूसरे चरण में शोभा इंद्रावती को दी गई है, उनकी आत्मा को। अब तीसरा क्या है कॉन्सेप्ट को? मेरे कॉन्सेप्ट, मुझे बोलना तो नहीं आता है, फिर भी मैं ऐसा समझ रहा हूँ। अब मैं मिस भी कर रहा हूँ, दो दिन मैं क्लास में नहीं आ पाया सेवा के भाव से। अब तीसरा चरण में ये कहा कि अगर राज्य की वर्णन करनी है और उसकी शोभा इंद्रावती की आत्मा को मिली है, तो अब मेरा जो धाम हृदय जो है अर्श बनाना, जहां पर आकर के राज्य बैठे, जो अभी दीप्ति बहन ने कहा वर्णन शोभा मिली है, मार्फत की वर्णन हो रही है, जो कि आज तक किसी को भी नहीं मिली है, उस इंद्रावती को ही मिली इस ब्रह्मांड में। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पहले ही श्रृंगार वर्णन हुआ, ये चौथा श्रृंगार है ना स्वामी जी, ये चौथा श्रृंगार है। तो अब वो शोभा दे रहे है इंद्रावती की धाम हृदय को, और अब उसके लिए अपना दिल अर्श बनाना पड़े, ताकि कि वर्णन तब कर सकते हैं ना जब राज्य उसके अंदर आकर के बैठे। ये मेरा भाव है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देखिए सुंदर साहब जी, ये राज्य की कृपा है, श्रृंगार की एक चौपाई पर चिंतन करते हुए थोड़ी देर में लगभग 2 घंटे बीत जाएंगे, 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया। एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी बात प्रसंग के अनुकूल ही हमें कहनी है। परात्म का दिल तो अनादिकाल से अर्श है, क्योंकि उस दिल में धनी के चरण कमल अखंड रूप से विराजमान है। इस स्वप्नमयी ब्रह्मांड में हम जागने में आए हैं, तो ब्रज का ब्रह्मांड भी तो स्वप्नमयी ही था। जब इस जागने के ब्रह्मांड में हमारा दिल धनी का अर्श है, तो क्या ब्रज में नहीं था? क्या रास में नहीं था? था, किंतु हमें बोध नहीं था कि हमारा दिल धनी का अर्श होता है। श्री देवचंद जी के तन से होने वाली लीला में भी पता नहीं था कि हमारा दिल धनी का अर्श है, क्योंकि श्री देवचंद जी के तन छोड़ते ही सबने मान लिया कि राज्य परम धाम चले गए। सागर श्रृंगार खिलवत परिक्रमा की वाणी जब अवतरित होती है, तो परम धाम का सारा खजाना इस संसार में अवतरित होता हो जाता है। तब निस्बत की मारिफत का पता चलता है। निस्बत की मारिफत क्या है? निस्बत की हकीकत क्या है? सागर उमड़ रहा है अपनी लहरों के साथ, सागर और लहर अलग है। निस्बत की मारिफत क्या है? सागर और लहर कभी अलग ही नहीं हुए। लहर सागर में डूब रही है, सागर लहर प्रकट हो रही है, कोई भेद नहीं है। जल तरंग जिम्मेवारी। ब्रज में माया की नीत का इतना आवरण था कि किसी को सोचने का समय ही नहीं था कि हमारे अंदर धनी भी है। हाँ, बांसुरी बजती है, सब प्रेम के कारण चले जा रहे हैं, बाह्य प्रेम है। आंतरिक संबंध के कारण मूल संबंधी एक अंगे विरसित बल्लभ साथ है, लेकिन क्यों सभी व्याकुल हैं ये पता नहीं चल पा रहा। हृदय तड़पता है गोपियों का, तड़पने का कारण क्या है ये किसी को पता नहीं, क्योंकि कृष्ण का तन तो छोटा बालक का है और गोपियां उम्र में बड़ी हैं।
ये जरूर है आंतरिक लीला के समय वो बालक का स्वरूप बदल जाता है, किशोर स्वरूप हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे माया का आवरण बढ़ता जाता है सभी भूल जाती हैं। रास में प्रेम की गहनतम लीला होती है, लेकिन तब भी पता नहीं सखियों को कि हमारे दिल में ही हमारा प्रीतम बैठा है। तभी तो राज जी ने कहा है, सखियों मेरे और तुम्हारे बीच में एक पेड़ आ गया था, इसलिए मैं तुमको, तुम मुझे दिखाई नहीं पड़ी, मुझको तुम देख नहीं पाई, मैं तो कहीं गया ही नहीं था। सखिया कहती है कि आप झूठ बोल रहे हो, हमने वृंदावन का कोना कोना छान डाला, अब दिखाई नहीं पड़े, आप कह रहे कि मैं तो तुम्हारे बीच में ही पास में ही था। अंत में सखियों को चुप रहना पड़ता है जब राज जी कहते हैं कि हमारे और तुम्हारे बीच में एक पेड़ आ गया था, मैं उसके पीछे छिपा था। क्या हो, जागनी के ब्रह्मांड में कितनी विचित्र लीला हो रही है, इसको एक दृष्टांत समझिए। मैंने टीका में लिखा है धामधनी की कृपा से, चर्चा में भी कई बार कहा है, एक भिक्षुक है जो झोपड़ी में रहता है, उसके नीचे हीरों की एक संदूक गड़ी पड़ी है, उसमें हीरे हीरे भरे हैं। उस बेचारे को कुछ पता नहीं, वो भिक्षा मांगने सवेरे निकल जाता है, शाम को मांग कर लाता है, बना कर रूखा सूखा खा लेता है। किसी कारण से कोई आकर के बता दे कि तुम यहाँ जगह खोजो, खोदो, तुम्हें बहुत धन मिलेगा, वो खोदता है तो हीरे ही हीरे मिलते हैं, अब वो माला माल हो जाता है। बस यही कहानी है, खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की जानने हमारे हृदय में बैठ विराजमान अक्षरातीत की पहचान करा दी है। अरस्तन दिल में ए दिल, दिल अंतर पट को छुना, ये अवस्था तो ब्रज में भी थी। अरस्तन परात्म, अरस्तन दिल में ए दिल, परात्म के दिल से हमारा यह दिल जुड़ा हुआ है। इन सुपन देह माफक हके दिल में किया प्रवेश, ब्रज में भी तो प्रवेश किया था लेकिन नीत के आवरण में किसी ने जाना नहीं, रास में नहीं जाना, देवचंद जी के तन से होने वाली लीला में नहीं जाना, नहीं तो सब सुंदर साथ गादी के अंदर ही राज्जी को नहीं देखते। और छठे दिन की लीला में जहाँ गादी को राज्जी माना जा रहा है उनको भी पता नहीं है अर्स दिल क्या है। सागर में तो कह दिया पर आत्म के अंतस्करण रुझेती भी तत्पात, किरंतन में कहा है अंतस्करण आत्म के जब ए रहियो समाए, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछुंते रहे। सागर ग्रंथ में कह दिया कि देखो तुम्हारे दिल में मारिफत से मैं बैठा हूं, हकीकत में नहीं, हकीकत में भी बैठा हूं, हकीकत में बैठा हूं महामती जी के धाम हृदय में, मारिफत में सबके दिल में राजी बैठे हैं। कैसे, इन सुपन देह माफक हके दिल में किया प्रवेश, क्या इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठे हैं? बैठे तो सबके अंदर हैं लेकिन इंद्रावती जी के धाम हृदय से उजागर हो रहे हैं तो उनको राज्य कहा जा रहा है। यदि सबकी आत्मा के धाम हृदय में धनी का निवास न हो तो धारा भाई के तन से आवेश लीला कैसे हो गई? लालदास जी ने जमीन पर घुसा मारकर कैसे कह दिया कि हौज कौशल की पाल पोली है? छत्रसाल जी के तन से कैसे लीला हो गई? कहने का से क्या है, हकीकत नजर आती है, मारिफत नजर नहीं आती। निस्बत की मारिफत से हर आत्मा के धाम हृदय में राज्य हैं, लेकिन वैसे ही जैसे हमारी झोपड़ी के नीचे हीरों की तिजोरी बंद पड़ी होती है, हमें पता नहीं होता, हम कंगाली में जी रहे होते हैं। अब विरह में डूबकर जो आत्मा अपने प्रीतम की छवि को अपने धाम हृदय में बसा लेती है उसके धाम हृदय से परम धाम की लीला का रसोस्वादन होने लगता है। एक दृष्टांत से समझिए, अयोध्या के सिंहासन पर केवल राम बैठते हैं, भरत ने कह दिया कि मैं नहीं बैठूंगा, मैं प्रभु राम की खड़ाओं को सिंहासन पर रख सकता हूँ, मैं बैठूंगा नहीं। लेकिन राम जैसी पोशाक पहनेंगे भरत भी वैसे ही पहनेंगे, क्यों? क्योंकि भाई हैं। लक्ष्मण भी वही पहनेंगे, लेकिन राम को राजा कहा जाएगा, भरत को राजा नहीं कहा जाएगा, लक्ष्मण को राजा नहीं कहा जाएगा। पांडवों में सिंहासन पर युधिष्ठिर बैठेंगे, पांचों भाई एक जैसी वेशभूषा
पहनेंगे, एक जैसा भोजन करेंगे, लेकिन युधिष्ठिर का सिंहासन चार अन्य भाइयों से थोड़ा सा अलग कर दिया जाएगा। उसी तरह से जागने के ब्रह्मांड में इंद्रावती जी की आत्मा कहती है कि राज जी, आपने मुझे यहाँ अपना स्वरूप बना दिया है। सब सुंदर साथ समझते हैं कि मैं राज जी हूँ। आपको मालूम है कि जैसे ये आपकी अर्धांगनी है, मैं भी आपकी अर्धांगनी हूँ। ये मुझसे आपका प्रेम मांग रही है, लेकिन ये लीला तो आप कर सकते हो, मैं कैसे इनको सुख दे सकती हूँ परमधाम का। कहने का से क्या है, अर्ज किया अपने दिल को, अपना सत्य लिखा है, मेरा नहीं लिखा है। सागर में कहती है कि अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है। हर आत्मा रिझाएगी तो यही कहेगी, अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, मेरा दिल ही आपका अर्ज है। यहाँ सामूहिक रूप में कहा जा रहा है कि वाणी का अवतरण होना है, अर्ज किया अपने दिल को। हम सभी आत्माओं के धाम हृदय को धाम धनी ने मार्फत की दृष्टि से अर्ज किया हुआ है, लेकिन हकीकत के दृष्टि से मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर मेरे तन से अपनी शोभा का वर्णन करवाने जा रहे हैं। और उत्तरदायित्व मुझे सौंपा है कि मैं नख से सिख तक उनकी शोभा का वर्णन करूं, ताकि सबके लिए मार्फत का द्वार खुल जाए। इंद्रावती जी के धाम हृदय में हकीकत से भी बैठे हैं, मार्फत से भी बैठे हैं। मार्फत के दृष्टि सबका अधिकार है, सभी कह सकते हैं कि हमारे दिल में धनी की बैठक है, लेकिन माया के पर्दे को हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए वाणी का प्रकाश चाहिए, अटूट ईमान चाहिए, समर्पण चाहिए, प्रेम चाहिए, विरक्त की धधकती ज्वाला चाहिए। जब ये हो जाएगा तो हकीकत की लीला भी उजागर हो जाएगी, सबको पता चल जाएगा कि इनको परम धाम दिख रहा है, इनके दिल में धनी की शोभा बैठी है, ये तो हकीकत है। लेकिन मार्फत की दृष्टि से निस्बत के संबंध से सबके आत्मा के धाम हृदय में प्रीतम का निवास है। अर्ज किया अपने दिल को, माहे बैठाओ कर श्रृंगार। इसकी चर्चा कौन करेंगे, माहे बैठाओ कर श्रृंगार। सरोज जी आप बताइए, माहे बैठाओ कर श्रृंगार। अर्ज किया अपने दिल को, माहे बैठाओ कर श्रृंगार। श्री महामती जी कहते हैं कि परम धाम में जो राजीव बैठे हैं, तो वर्णन करूं रे रोह जी, उसका वर्णन, उस वर्णन करूं रे रोह जी, हके तुम सिर दिया भार। अर्ज किया अपने दिल को, माहे बैठाओ कर श्रृंगार। वर्णन करूं रे रोह जी, हके तुम सिर दिया भार, मतलब अर्ज किया अपने दिल को, माहे बैठाओ कर श्रृंगार। लेकिन उस स्वरूप का वर्णन हो चुका है जो अभी तक किसी को पता नहीं था कि वो स्वरूप कैसा है, कहाँ है, कैसी लीला करता है। और वो उस स्वरूप का एक एक अंग की वर्णन अब तक हो चुका है, मतलब श्री महामती जी के तन से उस स्वरूप, उन उस स्वरूप का वर्णन होने जा रहा है, एक एक अंग की वर्णन होने जा रहा है। और उस तन में अब जो वर्णन होने हो चुका है, उसको सब सुंदर साथ अपने हृदय में विराजमान करके उसको रखना है। और किस तरह से रखना है कि जैसे कि राज्य की शोभा श्रृंगार सबसे अद्वितीय है, अतुलनीय है, और उस श्रृंगार को अपने हृदय में क्यों बिठाना है, क्योंकि और सुंदर साथ का दिल ही परमधाम होता है, अर्ष होता है। सुंदर साथ का हृदय ही, ब्रह्मात्मा का हृदय ही परमधाम होता है। तो परमधाम अर्ष इसलिए बनाना है जब राजी आके उसमें विराजमान होंगे, जब राजी आके सारे श्रृंगार लेके सुंदर साथ के हृदय में विराजमान होंगे, तभी वो दिल अर्ष हो सकता है। वैसे तो सभी सुंदर साथों के हृदय में, सभी ब्रह्म सृष्टि के हृदय में पहले से ही राजी विराजमान है, पहले से ही ब्रज रास और जागरणी लीला में हर जगह राजी विराजमान ही है, ब्रह्म सृष्टि के हृदय में राजी विराजमान ही है। लेकिन ब्रज में भी हमको मालूम नहीं था, ब्रह्म सृष्टि होती ब्रज रास में, प्रेम हो तो लक्ष्य बिन,
सो लक्ष पे अब्बल को लाए रू अल्लाह पर नाथा आखिर इलम पुरन, वो भी कहते हैं कि ब्रह्म सृष्टि ब्रज में थे, ब्रज और रास में तो थे, लेकिन प्रेम तो राज्य श्री कृष्ण जी से करते थे, लेकिन लक्ष्य नहीं था, हमको पता नहीं था, लेकिन वो लक्ष्य पहले देवचंद्र जी के द्वारा आया, लेकिन फिर उसके बाद महामती जी के रूप में वो लक्ष्य पूर्ण रूप से, यानी कि पूर्ण श्रृंगार किस तरह से है, राज्य का श्रृंगार क्या है, नख में क्या है, क्या क्या पहना हुआ है, नख श्रृंगार कैसे है, मुखमंडल कैसा है, आँख कैसा है, नाक के वर्णन कर रहे हैं, कानों के वर्णन कर रहे हैं, मुख के वर्णन कर रहे हैं, एक एक अंग के वर्णन कर रहे हैं। अब इस एक एक अंग को हर सुंदर साथ अपने हृदय में रखे और अपने तन को अपने दिल को अर्श करे, यही श्री महामती जी सभी सुंदर साथ को निवेदन कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि सभी सुंदर साथ अपने दिल को अर्श करे और राज्य को दिल में विराजमान करके उनका श्रृंगार उनके श्रृंगार को देखते रहे और अपने दिल को अर्श करे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कोई बोलेगा? प्यारे सुंदर साथ जी, वैसे तो ये चौपाई बहुत ही कठिन लग रहा है सभी सुंदर साथ को, आज ऐसा प्रतीत हो रहा है, फिर भी प्रयास करने से ही हम कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते हैं। तो माँ है बैठाओ कर श्रृंगार, सभी ब्रह्मात्माओं को जो श्रृंगार ग्रंथ में धामधनी की शोभा का वर्णन हुआ है उसको अपने आत्म के हृदय में पर आत्म का श्रृंगार सजकर बैठाना है। क्योंकि ये ज्ञान तो जीव ग्रहण करेगा, लेकिन जब हम चितवनी में बैठेंगे तो हम इस जीव भाव से परे होकर पर आत्म का भाव, पर आत्म का श्रृंगार सजकर ही धनी को दिल में बसाया जा सकता है। जैसे कि हम वाणी में पढ़ते हैं, जो मूल स्वरूप है अपने जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म संग लेके विलसीय संग खसम। क्योंकि जब हम जीव और शरीर भाव में रहते हैं तब तक तो ये संसार की अनुभूति हमें होगी, जब हम परमधाम की पर आत्म की मैं को उस भाव को लेकर ध्यान में बैठेंगे तभी ही राज्य की शोभा श्रृंगार हमारे दिल में बस सकती है। जब पूर्ण स्वरूप हक का आए बैठे माहे दिल, तब सोई अंग आत्म के उठ खड़े सब मिल। धनी की जो जो शोभा को हम दिल में बसाते जाते हैं, जिस जिस अंग की शोभा को, वही वही अंग हमारे आत्म के भी जागृत होते जाते हैं। तो माहे बैठाओ कर श्रृंगार, अर्थात परमधाम का श्रृंगार, उस भाव को हमें लेना है और उस भाव में इतनी डूब जानी है कि बस राज्य से एकत्व प्राप्त हो जाए। रोम रोम बिछ्रमे रहया पियू आशिक के अंग, इसके लिए ऐसा किया कोई हो गया एक ही रंग, यही मार्फत की स्थिति होगी। प्रणाम जी। हाँ, बहुत अच्छा प्रयास रहा है। देखिए, एक सीधा सा दृष्टांत है। आप सेवा कर रहे हैं, कीचड़ से लथपथ है कोई, मैं उसको बुलाऊं कि मेरे पास आओ, तो आप क्या करेंगे? कहेंगे कि मैं अभी नहा करके अपने शरीर को धो करके आता हूं। इस मायावी जगत में माया का कीचड़ है, विकारों का कीचड़ अलग है, शरीर का कीचड़ है। आत्मा जीव के ऊपर बैठकर जीव के भाव को प्राप्त हो गई है। तारतम वाणी के प्रकाश में इस जीव भाव को हटाना होगा। आपने वाणी का चिंतन कर लिया, आपको मालूम है कि मेरा असल स्वरूप परात्मका है। आप ये भी जानते हैं कि मेरी आत्मा उस परात्मक की प्रतिबिंब स्वरूप है, किंतु आपने अपनी परात्म का श्रृंगार देखा नहीं है। पढ़ा भर है सागर ग्रंथ में कि परात्म का श्रृंगार कैसा होगा। आप आंख बंद कर लेते हैं, भाव लाते हैं कि मेरा श्रृंगार सामने आता नहीं है। ज्ञान से पहले आपने जीव भाव के कीचड़ को हटाया, अब परात्म का श्रृंगार
सजाना चाहते हैं उसमें बाधा क्या आ रही है? मन की चंचलता, जन्म जन्मांतरों के विकार, ये कैसे हटेंगे? विरह की भट्टी में, समर्पण की भट्टी में और प्रेम की सरिता में। जान का पलंग हो, विरह का बिछौना हो, समर्पण का तकिया हो और प्रेम की कोमल चादर बिछी हो तो सिंहासन सज ही जाएगा। इससे आपकी आत्मा का श्रृंगार होगा। ज्ञान आपको दर्शाएगा कि शरीर से परे हो जाओ, जीव भाव से परे हो जाओ। न आप पापी हो न पुण्यात्मा हो, आप तो परात्म स्वरूपा हो, साक्षात अक्षरातीत के तन हो। और जब उस भाव से, जो अभी अमित जी ने कहा, जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए परात्म, परात्म की भावना लेकर विरह प्रेम और समर्पण के भाव में आप अपनी आत्मा का श्रृंगार कीजिए। जो मेरे तन से राजी का श्रृंगार वर्णन होने जा रहा है, उस श्रृंगार को आप अपनी आत्मा का श्रृंगार करके अपने धाम हृदय में बसाइए। दोनों का श्रृंगार होगा तभी तो मिलन होगा। बताइए, आप दो मित्र मिले हैं कई वर्षों के बाद, एक खेत में काम कर रहा है, कीचड़ से लथपथ है। अपने मित्र को देखकर वो सोचता है, भागता हुआ आता है, लेकिन सोचता है कि मैं कीचड़ में लथपथ हूँ, थोड़ा इसको हटा तो लो, क्योंकि उसके कपड़े गंदे हो जाएंगे। मैंने तो एक छोटा सा माया का दृष्टांत दे रहा हूँ। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब आप अपनी आत्मा का श्रृंगार नहीं करेंगे, प्रीतम का श्रृंगार दिया जा रहा है, लेकिन वो प्रीतम का श्रृंगार आपकी आत्मा में तभी तो उतरेगा जब आपकी आत्मा भी जीव भाव को छोड़ देगी, विषय विकारों से परे हो जाएगी। आत्मा में विषय विकार नहीं है, लेकिन जब समर्पण की चादर ओढ़ लेगी, विरह की भट्टी में अपने को झोंक देगी, प्रेम का श्रृंगार कर लेगी, क्योंकि आके प्रेमी के बिस्तर, आके प्रेमी के भुकन, आके प्रेमी के सहज स्वभाव, परम धाम का श्रृंगार ही प्रेम का है। जब आया प्रेम सुहागे, मोहजल लहरा भागे, क्योंकि यही प्रेम है जो पार के पार पहुंचाएगा, यही प्रेम है जो अक्षरातीत की शोभा को आपके हृदय में बसाएगा। तभी तो इंद्रावती जी कह रही है, अब आओ रे इश्क भानु हम, करूं चरण तले विश्राम। धनी के चरणों में विश्राम कब होगा? जब इश्क आएगा। इश्क विरह और समर्पण के भावों में हमें अपनी परात्म की भावना से अपनी आत्मा का श्रृंगार करके, जो महामती जी के तन से श्री राज जी के श्रृंगार का अवतरण हो रहा है, उसको हम बसाएं, ताकि हम मार्फत के दरवाजे को खोल सकें और राज जी के दिल में डुबकी लगाकर उस लक्ष्य को प्राप्त करें जो इस खेल का मुख्य लक्ष्य है। आप देखिए, चार दिन हो गए, तीन दिन केवल बाकी हैं, इसलिए कल और परसों मैं यहाँ पर वाणी की कक्षा में नहीं बैठूँगा। आप यहाँ चर्चा करेंगे, खुली छूट है, जिसको जो मन में आए वैसी चर्चा करें। अपनी पसंद की कोई चौपाई चयन कीजिए, सरल हो, हर कोई खुल करके बोल रहे। हाँ, रिकॉर्डिंग की जाएगी यहाँ पर, मैं किसी को कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि सबके सम्मान का प्रश्न होता है कि आपने ऐसा गलत बोला, ऐसा गलत बोला। लैपटॉप में या किसी तरह से रिकॉर्डिंग हो जाएगी। परसों मैं एक एक सुंदर साथ को बुलाकर अकेले में, मैं कमरे में ही बताऊंगा कैसे क्या बोलना है, कहाँ चूक हो रही है। यहाँ पर सबके बीच में कह दूँ कि आपको ऐसा, आपने गलत बोला, आपने ऐसा गलत बोला तो उचित नहीं है। इसलिए कल भी चर्चा करनी होगी आपको, परसों भी करनी होगी। कल और परसों के बाद मैं सोचूंगा कि आखिरी दिन कैसे करना है, लेकिन दो दिन आप स्वतः चर्चा करेंगे। आप बताइए कौन सी चौपाई का चयन करना चाहते हैं। ज्योत्सना बहन जी बोलिए, सरल चौपाई लीजिए, कलश की ले लीजिए, किरंतन भी ले लीजिए, ठीक है। अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जो, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों को यामे भो।
कल इसी चौपाई पर सभी सुंदर साथ जो मुख्य चर्चा करते हैं वो चर्चा करेंगे, और एक सुंदर साथ लैपटॉप पर या जैसे भी हो उसकी रिकॉर्डिंग करेगा। 5-5 मिनट चर्चा करनी है, ज़्यादा नहीं, 5-5 मिनट से पता चल जाएगा कि आप किस तरह की भाषा प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, कुछ संकोच है, मर्यादा है, कुछ सुंदर साथ खुल कर नहीं बोल रहे हैं, मैं नहीं रहूँगा तो आप खुल करके बोलेंगे तो पता चलेगा कि हाँ आपके प्रस्तुतिकरण की शैली क्या है। ठीक रहेगा?